Hi. Good evening. Good evening. Hi. Horses can come from any side. Okay. Okay. Ma, what is your criteria for choosing a chance? I think personality and definitely intelligence. That is, and the way you carry yourself. That's the best thing. I mean, I think, and the best man win. Or may I don't know. I mean, I think I'm expecting good contest which is going to happen, and good models, jo abhi upcoming future stars hain, or and some fun, some party. न्यू ईयर में मैं शायद बाहर जाने वाली हूँ, बट शायद मैं घर वालों के साथ रहूँगी. अगर घर वाले ज़्यादा जिद ना करें तो मैं शायद बाहर चली जाऊँ. सो लेट्स सी, आई डोंट नो. आई मीन इट्स ऑलवेज ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन प्लान ज़्यादा बनता है तो ज़्यादा मज़ा आता है. सो इट्स दैट. नहीं, परफॉर्मेंस के लिए नहीं, मैं छुट्टियों के लिए जा रही हूँ. I would wish everyone a very, very, very happy and prosperous New Year. Have fun. Have a blast. Thank you. Hi. आई थिंक बहुत कुछ वजह होनी चाहिए. डेफिनेटली पर्सनैलिटी होनी चाहिए, अपील होनी चाहिए, सेक्स अपील होनी चाहिए, अच्छी फिजिक होनी चाहिए. आई थिंक स्मार्ट, अट्रैक्टिव, मेंटली अट्रैक्टिव होना चाहिए, एंड बाकी सब तो सब कर ही रहे. नो नो नो, आई एम गेस्ट, आई एम जस्ट कमिंग टू एंजॉय माय सेल्फ. Yeah, of course, I'm very excited. It's releasing on 2nd, which is just 1 week away. So definitely the countdown has begun, and I'm waiting for 2nd of December to come as soon as possible. Yes, we've started the city tour. From tomorrow we are going. So I just hope that 2nd December proves to be a good Friday for me. I don't know. I hope that I should be working this New Year because I've taken enough of offs. I want to work. I want to make money. Filhal bahut problem hai. So definitely I'm looking forward to be working on 31st. If by chance I don't, then definitely I will plan something. Not sure yet. Wishes for New Year. Okay. Hi. I want to wish everyone a very happy New Year. Thank you. Thank you. Yeah. Hello. Hi. Sharad, आप इस इंडिया से कम नहीं हैं? नहीं, मैं ज़्यादा हैं. हाँ, हो सकता है. But good to be here. I was a part of this India contest in 2002. So I know the feeling. How it feels there on stage with you know, we have 30 guys or a short list of guys. Really tough. बहुत एंग्जाइटी होती है, बट इट्स रिजल्ट्स आर सुपर फाइन. आई थिंक एटलीस्ट फॉर मी. क्या विशेषताएं चाहिए होती हैं? यू नो, यू शुड बी ऑनेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, यू शुड बी ऑनेस्ट एवरीवेयर, एंड टॉक व्हाट यू फील, डोंट प्रिटेंड, एंड आई थिंक द वाइब विल रीच टू द जजेस. आई थिंक दे विल गिव द बेस्ट डिसीजन. शरद, हम आपकी कई फिल्में देख रहे हैं, बहुत प्रभावशाली अभिनय आपने अपनी जगह बना ली है.
आप एक पॉलिटिशियन के ऊपर भी का किरदार कर रहे हैं, बहुत उत्सुकता है उसको लेकर, आज मंच है, आप बता सकते हैं उसको? फिलहाल फिल्म तो बन चुकी है, अभी निर्णय मेरे प्रोड्यूसर्स का है और वो जब रिलीज करेंगे तब करेंगे। आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर द बेस्ट टाइम टू रिलीज इट एंड आई हैव डन माय हार्ड वर्क, लेट्स सी क्या होता है। हिंदी में बताएं थोड़ा कितना मुश्किल रहा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में। मुश्किल तो था बहुत, पहली बार तो खुद को उनकी जगह देखना और वो रोल करना बहुत मुश्किल था। मैंने 3 बार मना भी किया बिकॉज मैं कहाँ वो कहाँ, मतलब मेरा कहीं मेल नहीं है, बट उन्होंने कन्विंस किया कहीं ना कहीं, मुझे वो लुक दिखाया कि कैसे देखेंगे यार, और फाइनली मैं रेडी हुआ और फिल्म कर ली यार। एज एक्टर का काम है फिल्म करना, बाकी तो भगवान के हाथ में। जी ऑब्वियसली मुश्किल था, पहली बार तो 3 घंटे बैठना पड़ता था मेकअप के लिए, ऑल द प्रोस्थेटिक एंड ऑल, तो काफ़ी मुश्किल रहा, बट एक कुछ सीखने को भी मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे कुछ आइडिया नहीं इस बारे में, मैंने एक्टर हूँ, मैंने काम कर लिया है, बाकी अब वो लोग देखें। अभी जनवरी में एक फिल्म आएगी, बड़ी अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे लोगों ने काम किया है और काफ़ी मेहनत की है हम लोगों ने, उसका नाम इरादा, और नसीर सर हैं, अरशद सर हैं, मैं भी छोटा सा एक किरदार में हूँ, वो अच्छी फिल्म है। बाकी एक फिल्म आ रही है 4 नवंबर को, आप अगर हॉलीवुड फिल्म के फ़ैन हैं और एनिमेशन के फ़ैन हैं तो एक फिल्म आ रही है मोआना, डिज्नी की फिल्म है, और अगर आप रॉक के फैन हैं ड्वेन जॉनसन के तो फिल्म देखने जाइए, लेकिन हिंदी में जाइए, मैंने डब किया। थैंक यू, थैंक यू। क्या क्या हो, ये अच्छी बात है, वजह तुमों की प्रमोशन भी हो गई यहाँ तो। वेल बहुत सारी वजह होनी चाहिए, तो पहले तो 8 packs होने चाहिए। जब हम मिस्टर इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले लुक्स, आपकी बॉडी बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, और जब हम मॉडलिंग की बात करते थे तो हम हमेशा बॉडी बनाने की कोशिश करते थे, यस उसकी वजह, अगर अगर आपके एप्स अच्छे हैं और आपकी लुक्स अच्छे हैं, आपकी हाइट अच्छी है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड फॉर अ वुमेन आई वुड से कि आजकल सिर्फ 8 pack से काम नहीं चलता, यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड यू हैव टू हैव अ वेरी ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड यू नीड टू नो हाउ टू कीप योर वुमेन हैप्पी, सो एवरीथिंग मेक्स यू अ कम्प्लीट मैन, सो यू नीड टू हैव ऑल दीज वजाज एंड ओनली देन यू आर मिस्टर इंडिया। आज पहली बार देविना मीडिया के सामने आई है तो अब तो तू बात करेगा ही। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पूछो। हाँ जी बिल्कुल, परमिशन की बात नहीं है, इट इज ऑल अबाउट कि जब एक स्क्रिप्ट गुरमीत के पास आता है, उस स्क्रिप्ट को गुरमीत से ज्यादा मैं पढ़ती हूँ, उसका फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, शायद ये पढ़ के डायरेक्टर भी चौंक जाएंगे कि गुरमीत से ज्यादा तो सीन बाय सीन मुझे पता है और ऐसा कैसे, तो इनफैक्ट ही इज वेरी लेजी, वो पूरा बंडल लाके मुझे बोलते तुम पढ़ो, पहले तुमको अच्छा लगे तो फिर मैं पढ़ूंगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं तो उसके चक्कर में मुझे बहुत सारे स्क्रैप भी पढ़ना पड़ता है, सो दिस इज वन ऑफ देम जो कि मैं स्टार्टिंग से लेके 3-4 drafts मैं पढ़ चुकी हूँ, और मुझे फिल्म लाइन बाय लाइन एटलीस्ट उसे स्क्रिप्ट वाइज पता, आई हैव नॉट सीन द फिल्म, और बस मुझे देखना है, आई हैव सीन द ट्रेलर एंड आई एम, इट इज़ अमेजिंग, गुरमीत इज़ लुकिंग अमेजिंग, जो लुक वाइज जो गुरमीत ने बताया मिस्टर इंडिया में क्या क्या वजह होना चाहिए, वो सब वजह तो तुम में है, और घर में जो जो वजह होना चाहिए, द विट, द सेंस ऑफ ह्यूमर एंड द काम, द पॉइस टू मेक द वुमेन हैप्पी, वो वजह भी तुम में है, तो ही इज़ वन मिस्टर इंडिया हु इज़ स्टैंडिंग।
डॉक्टर फॉर गुरमीत. या आई एम द स्क्रिप्ट डॉक्टर फॉर गुरमीत. सो यू नो कि गुरमीत से कोई स्क्रिप्ट ओके कराना है करवाना है तो पहले मेरे पास पहुंच जाना चाहिए. तो आप लोगों को आज वजह मिल गई, पता चल गया. एक्चुअली पहली बार देबिना, इतने सारे न्यूज आए थे एंड आज पहली बार यहाँ पे देबिना ही है. जो सवाल पूछना पूछ लो, बोलो. पूछ लिया, मैंने बोल भी दिया. ओ अच्छा, सुजिया क्या बात है. आज टाइटल ट्रैक अभी अभी हम लगाएंगे वजह तुम हो. सना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो यहाँ इधर मिलती तो मैं वो वाली वजह भी दिखा देती. और होपफुली अंदर जाके अगर कोई है आप लोग का अंदर तो वो लोग देख लेंगे. आप एक्ट्रेसेस अप्रूव करती हैं, मतलब जब कि भाई ये एक्ट्रेस लेना या ये मत लेना. बाहर मिल तू पहले. मुझे लगता है वो दैट इज द डायरेक्टर्स जॉब, क्योंकि शॉर्ट टेकिंग इट्स अ डिफरेंट थिंग देन व्हाट द स्क्रिप्ट इज. But I believe something that looks good, something that is looking excellent on screen and something that will make the audience go to the screen is very important at this stage. और शायद ये कोई वजह हो कि 500,000 रुपया नहीं होने के बावजूद लोग जैसे तैसे मैनेज करके थिएटर हॉल बस पहुँच ही जाए. बिल्कुल बिल्कुल. मैं बहुत अभी मैं रो सकता हूँ, मैं इमोशनल हो सकता हूँ. ऐसे भी मेरे पास 1,000 और 500 नहीं है. आपने देखा होगा कि मैं लाइन में आजकल खड़े दिखता हूँ एटीएम के बाहर कि चेंज मिल जाए. पर देखिए लाइक आपके आप कितना त्याग करना पड़ रहा है. त्याग कि कौन सा त्याग, वो 500,000 जो चेंज करा के लाते हैं या वो मैं अकेले तो नहीं खर्चा कर लेती हूँ. चाहिए हमारे पास बिल्कुल नहीं है. क्राइटेरिया यार मैं हमें अगर आप मुझसे